स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शुभ्रा सैनी। राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले एनसीपी चीफ शरद पवार ने राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है और उसके बाद से लगातार एनसीपी चीफ रहे शरद पवार के भतीजे अजीत पवार के तेवर बदले हुए नजर आ रहे हैं। जी हां, जैसे ही शरद पवार ने यह घोषणा की कि वो एनसीपी चीफ के पद से इस्तीफा दे रहे हैं, शरद पवार के इस फैसले से महाराष्ट्र और देश की राजनीति में सियासत में हड़कंप मच गया और महाराष्ट्र में खासतौर पर सियासी हाईटाइड आ चुका है। लेकिन अजीत पवार लगातार उनके तेवर बदल रहे हैं। अजीत पवार की गतिविधियां ये बताने के लिए काफी हैं कि वो यही चाहते थे कि शरद पवार जो हैं एनसीपी चीफ के पद से इस्तीफा दे दे, क्योंकि आपको ये बताते हैं कि शरद पवार ने जब सियासी संन्यास की घोषणा की तो उसके बाद वाईबी चौहान सेंटर में शरद पवार और उनके कार्यकर्ता उन्हें मनाने के लिए एकजुट हुए। तमाम कार्यकर्ताओं ने शरद पवार से ये अपील की कि वो दरअसल भले ही एनसीपी चीफ के पद पर ना रहें लेकिन पार्टी में वो रहें, पार्टी को ऊर्जा दें। और जैसे ही कार्यकर्ता बोल रहे थे वैसे ही बगल में बैठे भतीजे अजीत पवार उनसे माइक छीन रहे थे। वो उन्हें सुनना नहीं चाहते थे कि शरद पवार को मनाए कोई या फिर शरद पवार को लेकर तमाम जो एनसीपी के बड़े लीडर वहां मौजूद थे वो बातचीत करें, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि एनसीपी के जो बड़े नेता हैं वो दरअसल शरद पवार के इस फैसले से खुश नहीं है। क्योंकि राजनीति के चाणक्य शरद पवार को कहा जाता है और जाहिर तौर पर अगर वो कुर्सी पर नहीं रहते हैं एनसीपी की, चूंकि अब तक एनसीपी का मतलब शरद पवार और शरद पवार का मतलब एनसीपी ही होता था, लेकिन अब वो तमाम चीजें बदलेंगी तो एनसीपी की राजनीति कैसे चलेगी, ये कहीं ना कहीं चिंता हर किसी के जहन में है। लेकिन अजीत पवार जो कि एनसीपी चीफ शरद पवार के भतीजे हैं, अब उनके तेवर कहीं ना कहीं बदल चुके हैं। चूंकि पहले से ही लगातार ये कहा जा रहा था कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, वो अपने विधायकों के साथ एक अलग दल बना सकते हैं, इस तरह की तमाम अटकलें चल रही थी। लेकिन इन तमाम अटकलों के बीच अब शरद पवार ने एनसीपी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है, राजनीति से संन्यास की घोषणा कर दी है। ये तमाम चीजों के बाद तमाम नेता उन्हें मनाने में जुटे हुए हैं, लेकिन अगर कोई नहीं मना रहा है तो वो हैं उनके भतीजे अजीत पवार, जो कि शरद पवार को लेकर भी अगर कोई बात उनसे कर रहा है तो उनका माइक छीन रहे हैं, उन्हें चुप रहने की सलाह दे रहे हैं। और वहां बैठक में भी अजीत पवार का कुछ ऐसा ही रुख देखने को मिला, जहां उन्होंने ना सिर्फ एनसीपी के कार्यकर्ता जो शरद पवार को मना रहे थे कि वो इस पद पर बने रहें उनसे माइक छीना, बल्कि ये भी कहा कि तुम चुप बैठो, माइक इधर दो। इस तरीके के बयान उनकी तरफ से दिए गए, इस तरीके से कार्यकर्ताओं को डांटा गया। देश का नेता कैसा हो, शरद पवार जैसा हो, ऐसा बोलने वाले जो तमाम एनसीपी के कार्यकर्ता थे उनसे भी अजीत पवार ने माइक छीन लिया। और जिस तरह का अंदाज अजीत पवार का दिखाई दिया वो लगातार सवालों के घेरे में है। लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि अजीत पवार जिस तरीके का रवैया दिखा रहे हैं आखिर वो किस तरफ इशारा कर रहा है, क्योंकि अब सवाल ये उठ रहा है कि एनसीपी का अध्यक्ष अगला कौन होगा, क्या वो शरद पवार की बेटी सुप्रिया सूले होंगी या फिर उनके भतीजे अजीत पवार होंगे। और जाहिर तौर पर ये शरद पवार के सामने भी एक बहुत बड़ा संकट है, क्योंकि अगर वो अपनी बेटी सुप्रिया सूले को अध्यक्ष बनाते हैं तो अजीत पवार की नाराजगी का सामना उन्हें करना पड़ेगा और एनसीपी टूट भी सकती है। और अगर वो अजीत पवार को अध्यक्ष बनाते हैं तो जाहिर तौर पर कई ऐसे पार्टी के कार्यकर्ता और नेता होंगे जो कि शरद पवार से नाराज भी हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर अब शरद पवार के सामने एक बड़ा सियासी संकट इसके बाद आ चुका है। अब उन्हें फैसला करना है कि उनका जो पार्टी का अगला अध्यक्ष होगा वो कौन होगा। लेकिन अजीत पवार का ये रवैया, अजीत पवार के ये तेवर भी सबका ध्यान जो है वो कहीं ना कहीं उनकी तरफ खींच रहे हैं, क्योंकि लगातार इस तरीके से अजीत पवार जब मीडिया से बातचीत कर रहे हैं तो वो जो है एनसीपी कार्यकर्ताओं को इस तरीके से डांट रहे हैं जैसे वही उनके प्रमुख नेता हों। तो ये तमाम चीजें जो है, ये तमाम गतिविधियां जो है वो फिलहाल देखने को मिल रही है। तो एक तरफ एनसीपी में कहीं ना कहीं सियासी घमासान शुरू हो गया है तो दूसरी तरफ महाविकास
अगाड़ी में भी फूट के संकेत लगातार मिल रहे हैं, जो लगातार एकजुटता की बात विपक्ष की ओर से हो रही है। इन सब के बीच आपको ये बता दें कि महाराष्ट्र में जो उद्धव ठाकरे गुट के नेता हैं संजय राउत और साथ ही जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं महाराष्ट्र के नाना पटोले, उनके बीच दरअसल ये जो कहीं ना कहीं सियासी जंग है वो देखने को मिल रही है, जहां वो दोनों ही नेता एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। जहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष नाना पटोले ने संजय राउत को लेकर ये बयान दिया है कि संजय राउत को चौमड़ेगिरी करनी बंद करनी चाहिए, तो वहीं संजय राउत ये कह रहे हैं कि नाना पटोले ये ना भूलें कि वो भी महाविकास अगाड़ी का हिस्सा है। दरअसल मीडिया ने नाना पटोले से सवाल किया था संजय राउत को लेकर, जिसके बाद नाना पटोले ने जवाब देते हुए ये कहा कि संजय राउत जो कि उद्धव ठाकरे गुट के नेता हैं उनको चौमड़ेगिरी बंद करनी चाहिए, वो हमारी पार्टी के प्रवक्ता नहीं है, गांधी परिवार के बारे में बात करना सूरज पर थूकने जैसा है, अगर वो बात करते हैं तो। इस तरीके से बड़ा हमला संजय राउत पर नाना पटोले ने बोला है। और वहीं संजय राउत का जो बयान सामने आया है, संजय राउत ने ये कहा कि आने वाला भविष्य तय करेगा कि चापलूसी कौन करता है, शिवसेना ने कभी ऐसा स्टैंड नहीं लिया, आप महाविकास अगाड़ी में हैं, अपने चेहरे पर पट्टी बांध लें। ये नाना पटोले को जवाब जो है वो संजय राउत की ओर से दिया गया। तो कुल मिलाकर इस तरह की सियासी जंग जो है वो फिलहाल महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है। तो महाराष्ट्र में सिर्फ एनसीपी ही मुश्किल में नहीं फंसी है, बल्कि महाविकास अगाड़ी यानी जिसका हिस्सा एनसीपी भी है, उसमें कहीं ना कहीं ये सियासी जंग देखने को मिल रही है। ये सियासी भूचाल फिलहाल आया हुआ है और ये दरअसल गौर करने वाली बात इसलिए है क्योंकि महाराष्ट्र में खासतौर पर बात अगर मुंबई की जाए तो आने वाले वक्त में बीएमसी के चुनाव होने हैं, उसके बाद 2024 लोकसभा चुनाव होने हैं, जिसमें लगातार जो विपक्षी दल हैं वो एकजुटता की बात कर रहे हैं। लेकिन इस तरीके से अगर सियासी बयानबाजी का दौर चलेगा, अगर इस तरीके से ये आपसी लड़ाई चलेगी, तो कैसे माना जा सकता है कि विपक्ष एकजुट है। और साथ ही आपको ये बता दें कि उसके बाद महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव भी होने हैं, तो इन तमाम जो चुनावी कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में ये गहमा गहमी देखने को मिलेगी। इससे पहले जो सियासी पारा है महाराष्ट्र का वो बढ़ चुका है। एक तरफ शरद पवार ने एनसीपी चीफ के पद से इस्तीफा दे दिया है, अपने सियासी संन्यास की घोषणा कर दी है, और वहीं दूसरी तरफ इस तरीके से अब कांग्रेस और उद्धव गुट में जो लड़ाई है वो अब आर पार की होती नजर आ रही है, जिस तरीके से ये पूरी बयानबाजी का दौर चल रहा है। और आपको ये बता दें कि जहां तक बात अजीत पवार की है, तो अजीत पवार लगातार अपनी नाराजगी जो है वो पार्टी के खिलाफ उन्होंने जाहिर की है। वक्त वक्त पर उनके कुछ इस तरह के बयान सामने आए हैं जिन्होंने साफ तौर पर ये इशारा करा है कि अजीत पवार या तो पार्टी में कुछ प्रमुख पद चाहते हैं या फिर वो पार्टी से अलग होना चाहते हैं। लेकिन अब शरद पवार के इस्तीफे के बाद आखिर क्या उन्हें ही पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाएगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। और अगर अध्यक्ष नहीं बनते हैं एनसीपी के, तो आखिर अजीत पवार क्या फैसला लेंगे, इस पर भी गौर करना होगा। क्योंकि अभी फिलहाल जिस तरीके के कहीं ना कहीं गतिविधियां, जिस तरीके के तेवर अजीत पवार दिखा रहे हैं, कभी वो हाथ से माइक छीन रहे हैं कार्यकर्ताओं के जो कि शरद पवार के पक्ष में बोल रहे हैं, तो कभी वो फोन भी हाथ से उन्होंने छीना है। दरअसल आपको ये बताते हैं कि शरद पवार के इस्तीफे की पेशकश के बाद महबूब शेख को किसी नेता का फोन आया था। इस दौरान जब शेख शरद पवार को फोन दे रहे थे बातचीत करने के लिए, तभी अजीत पवार ने बीच में ही उनसे फोन ले लिया और इस दौरान फोन टेबल पर भी गिर गया। तो इस तरीके की ये कहीं ना कहीं तेवर हैं जो अजीत पवार के नजर आए हैं। लेकिन आगे क्या कुछ होगा महाराष्ट्र की सियासत में, इस पर नजरें गड़ी हुई हैं। और जो भी होगा, जाहिर तौर पर हम आपको हर एक खबर से महाराष्ट्र की अपडेट रखेंगे। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।